सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तेरा मंगल मेरा मंगल सभी का मंगल होवे रे सुखिया हो वे सारी दुनिया कोई दुखी ना हो वे रे कणी कणी मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल हो वे रे हे प्रभु निज मंगल से पहले जग का मंगल होवे रे हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे रे हमें जिस प्रांत में रहती वाली उसी का मंगल होवे रे हमें जिस गांव नगर में रहती उसी का मंगल होवे रे हे प्रभु निज मंगल से पहले सभी का मंगल होवे रे जय मूल त्रिकालवर्ती त्रैलोक के पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की अभिक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गण्य आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य आरिका माँ सुयोग नंदिनी माता जी की जय आरिका संघ की जय धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव आज 15 अगस्त का दिन आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आज से 76 वर्ष पहले लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से भारत में स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ था। स्वतंत्रता ये एक ऐसा शब्द है जो सभी को अच्छा लगता है। परतंत्रता तो त्रियंचों को भी अच्छी नहीं लगती। शायद इसीलिए कहा गया है कि पराधीन सपने हु सुख नाही।
पराधीनता। आज से 76 वर्ष पहले तो जो अंग्रेज थे या मुगल थे, जिन्होंने ने भी भारत पर, सभी ने भारतीयों के सिर्फ तन पर कब्जा किया था। हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन अब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ चुकी है कि अब भारतीय धीरे धीरे मन से गुलाम बनते जा रहे हैं। किस चीज के गुलाम बन रहे हैं? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में आई, वो इसलिए आई थी ताकि आपके कठिन कार्यों को सरल बनाया जा सके, लेकिन आपने उसका इतना दुरुपयोग किया कि आपने खुद को आलसी बना लिया। एक समय हुआ करता था जब भारत सभी के लिए, सारे देशों के लिए एक उदाहरण था। किस चीज के लिए? आपसी स्नेह के लिए। एक समय हुआ करता था जब पूरे परिवार में आधा घंटे का समय मिलकर के बैठने के लिए निकाला जाता था। कोई कितना भी बिजी रहे, कहीं भी रहे, हफ्ते में एक दिन आधा घंटा ऐसा जरूर आता था जब परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठ करके हालचाल पूछा करते थे। लेकिन आज देखने में ऐसा आता है कि बच्चों को माता पिता का कुछ भी समझाना डांट लगती है, कुछ पूछना रोक टोक लगती है, और अपनी बात बताने से वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जनरेशन गैप। बच्चों को लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो उन्हें नहीं समझेंगे, और कहीं ना कहीं गलती बड़ों की है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बच्चों की पूरी बात सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। बच्चों ने कहा हमसे ऐसा हुआ, वो पूरी बात कह भी नहीं पाए कि आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज वर्तमान में देखने में आता है कि जितना समय पहले के लोग अपने परिवार को, अपने रिश्तों को दिया करते थे, आज के समय उससे ज़्यादा समय व्यक्ति अपने मोबाइल को और लैपटॉप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को देना पसंद करता है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों कहते हैं इसे विश्वगुरु? क्योंकि शतरंज जैसे माइंड गेम का आविष्कार, शतरंज जैसा खेल इस भारत में बनाया गया था। भारत का इतिहास आप देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1896 तक भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे की कई खदानें थीं और हीरे निकलते थे। खदानें तो अन्य देशों में भी थीं, लेकिन 1896 से पहले हीरों का एकमात्र स्रोत भारत देश था। और प्लास्टिक सर्जरी, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में महर्षि सुश्रुत के द्वारा हुआ था। विश्वगुरु कहलाने वाला हमारा भारत देश, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से भी जाना जाता है, उस भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए 76 वर्ष आज पूर्ण हुए, 77वां स्वतंत्रता दिवस आप लोग मना रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र होने में और स्वच्छंद होने में अंतर होता है। एक शब्द है स्वतंत्र और दूसरा स्वच्छंद। स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद का मतलब मनमानी करना, कोई जीवन में अनुशासन नहीं होना। मोबाइल हाथ में आ गया, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, निशाचरों की तरह लगे हुए हो आप। और हम आपसे
एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दो दो तीन तीन बजे तक मोबाइल देखने वालों, आपने अपने जीवन के पर डे के 5-6-7 घंटे उस मोबाइल में दिए। मुझे आप गिन करके 7 बातें बता देना जो आपके जीवन में काम आए उन 7 घंटों में से। घंटों आपने क्या देख लिया? आपको खुद को याद नहीं रहता। मोबाइल बहुत अच्छी सुविधा है। एक समय हुआ करता था घर पर कोई घटना घट जाए, कोई खुशी का प्रसंग हो, तो चिट्ठियों के माध्यम से समाचार भेजते थे और जब तक समाचार पहुंचता था तब तक तो महीनों बीत जाया करते थे। और आज आप दुनिया में, देश में, किसी भी कोने में जाकर के वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कहीं भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जब तक टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग कर रहे हैं तब तक वो बहुत अच्छी है। आप यूज कीजिए अपनी नॉलेज के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, और भी व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए यदि आप यूज करते हैं, मनोरंजन के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं चलेगा, लेकिन आपने तो जीवन बर्बाद करने का जरिया बना लिया है। आपने स्वच्छंद प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर दिया है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं, बात परिवार की भी है। अच्छा, आप लोग अच्छे से याद करके बताओ, वो कौन सा दिन था जिस दिन परिवार के सारे सदस्य बैठ करके एक दूसरे का अच्छे से हालचाल पूछा था, फॉर्मेलिटी नहीं निभाई थी? आज से कितने दिन पहले आप सब लोग मिलकर के एक साथ बैठे थे? कौन बताएगा? कोई है क्या ऐसा परिवार? पूरे परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी, पोता पोती, भाई, सब लोग एक साथ बैठे हों और जब फॉर्मेलिटी निभा करके आपने, फॉर्मेलिटी ना निभाई हो, अपनत्व की भावना से पूछा हो और सब कैसा चल रहा है, पूछते भी ऐसे हो जैसे कमेंट्स कर रहे हो और सब, ये क्या था? तो सामने वाला भी कहता बढ़िया। आप सुनो और इस बात को ढंग से समझो, कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, अगर आपके पूछने का तरीका यदि कमेंट्स वाला होता है या तंज कसने वाला होता है तो वो भी आपको उल्टा ही रिप्लाई करता। आप पूछते स्वास्थ्य कैसा, वो कहता बढ़िया, जबकि आपको आंखों से दिख रहा है कि व्यक्ति बीमार है। घर में सब कैसा चल रहा, भले ही आपको पता हो कि उसके घर में अशांति है, लेकिन यदि आपके पूछने में अपनत्व की भावना नहीं होगी तो वो आपको एक ही जवाब देगा, सब बढ़िया है। तो आज हमारा भारत देश तन से तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मन से हर व्यक्ति या लगभग लगभग ज़्यादातर व्यक्ति स्वच्छंद हो चुके हैं। ना जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया जिस तरह से दौड़ रही है, हम भी यदि दुनिया के साथ ना दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। भले ही वो गलत हो, दौड़ना है। पहले एक समय हुआ करता था जब गांव मोहल्ले में ढूंढे से मुश्किल से एक या दो चार शराबी मिल जाए, वो भी छिप करके रात्रि में, वो खंडर से घरों में जहां परिंदा भी पर ना मार सके। और आज, आज तो स्टैंडर्ड बन गया है, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितने बड़े लोगों में उठना बैठना होगा, उतने ही आपके फंक्शंस में अल्कोहल कंपलसरी हो जाएगी। फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है। आप खुद सोचो, हम उत्थान की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर? स्वतंत्रता उत्थान की ओर ले जाने के लिए होती है और स्वच्छंदता पतन की ओर। तो आप जो धर्म करते हैं, धर्म में जो आपको नियम बताए जाते हैं या कहा जाता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपसे आपके धर्म करने की स्वतंत्रता छीन ली। इसका मतलब होता है कि आपकी स्वच्छंद प्रवृत्ति ना हो। यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी तो जिंदगी में भले ही आप बिजनेस में कितने भी ऊपर पहुँच जाइएगा, रुपया पैसा कितने भी कमा लीजिएगा, संपत्ति कितनी भी जोड़ लीजिएगा, सुख सुविधाएं कितनी भी इकट्ठी कर लीजिएगा, लेकिन मन का सुकून है ना, वो नहीं मिलेगा।
जैसे एक बेल होती है, बेल देखी आपने, लता, वो जमीन पर डली हुई होती, आपने बेल लगाई, उस बेल को जब तक आप एक लकड़ी का सहारा नहीं दोगे, उस बेल को जब तक उस लकड़ी से आप हल्का सा एक धागे से नहीं बांधोगे, तब तक वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकती। यदि बेल कहे मुझे लकड़ी का सहारा नहीं चाहिए, यदि वो बेल कहे मैं बंधूंगी नहीं, मुझे बंधन प्रिय नहीं है, तो बेल धूल में मिलकर के एक दिन नष्ट हो जाएगी। धर्म स्नेही महानुभाव, उस लकड़ी के सहारे की तरह होते हैं हमारे पूर्वज, नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग, पूर्वज तो वो जो चले गए, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु, जो हमें हमारी गलती बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको ये चीज़ मिलती है, लकड़ी का सहारा, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलता है, उनकी बात सुनने का मौका मिलता है, तो ये समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। जब वो चले जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि उनकी वैल्यू क्या थी। भले ही आप उनकी पूरी बात मत मानो, हाँ हम ये बात कहते हैं कि उनकी जो सोच है कई बार आपकी सोच से नहीं मिलती है, और ज़माना बहुत बदल रहा है, यदि आप कछुए की स्पीड से चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, लेकिन खरगोश की स्पीड भी मत अपनाओ कि अपने लोग ही पीछे रह जाएं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की पूरी बात मत मानो, आपको नहीं माननी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप उनके पास बैठ करके हाँ तो बोल सकते हैं ना। आप दिन में 2 मिनट का टाइम निकाल करके या 30 सेकंड का टाइम निकाल करके बस उनसे ऐसे पूछ लो, पिताजी दादाजी सब ठीक है, स्नेह के साथ, अपनेपन के साथ, सब ठीक। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं उनसे पूछ करके। आप उनसे मजाक भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इतना टाइम हो गया भगवान आपको याद करना भूल गए क्या, नहीं समझ में आया, समझ गए। इसका आशय ये नहीं है कि आप चाहते कि वो संसार से चले जाएं, इसका आशय ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात लगेगी कि मेरे बच्चे को पता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। नहीं तो आज के बड़े बुजुर्गों को क्या लगता है कि हम जिंदा भले ही हैं, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है। तो आप अपनेपन की भावना से 30 सेकंड का टाइम निकालें, चाहे 1 मिनट का टाइम निकालें, आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे ज़रूर मिलें, उनके पास ज़रूर बैठें, उनकी बात ज़रूर सुनें। भले ही नहीं मानना या मानना है ये आपका निर्णय है, लेकिन आप उनके पास बैठ करके जब कहते हैं ना हाँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जीवन पूर्ण हुआ। उनके जाने के बाद आप उनके नाम से पूरे समाज को मीठा खिलाते हैं, और उनके रहते पानी की भी नहीं पूछते हैं। यदि वो पूछ लें आप कहीं जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहा है, तो आपको लगता है अपशकुन हो गया। और आज हम इस मंच से आप सभी से कहते हैं, जिस घर के बड़े बुजुर्ग यदि आपको रोक दें, कहीं जाते हुए टोक दें, बात बात में सलाह दें, तो इससे बड़ा शुभ शगुन आपके जीवन में। किसी का भी रोकना टोकना अपशगुन हो सकता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का नहीं हो सकता। क्यों, आप इसका आंसर जानते क्या? इसका आंसर दे दीजिए, फिर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप घर पर जाकर के कहने लग जाओ कि मुझे रोको, अरे टोक दो मैं बाहर जा रहा हूं। क्योंकि बड़े बुजुर्गों के रोकने और टोकने में भी कहीं ना कहीं आपके उन्नति की, आशीर्वाद की भावना छुपी होती है। और जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के आप निकलते हैं, तो कार्य तो सफल होगा ही होगा। तो इसलिए अब घर के बड़े बुजुर्ग कभी रोकें या टोकें तो वो अपशगुन नहीं है, संसार का, ज्योतिष का, वास्तु का सबसे बड़ा शगुन है। और कोई दिगंबर साधु आते हुए दिख जाए या उनके दर्शन हो जाए, वो तो परम और महाशगुन है। तो आज जो स्वतंत्रता दिवस आपने मनाया, जिन वीरों को, जिन
की वजह से आपको आज स्वतंत्रता मिली है, आपने उनको याद किया, आप सच में उन्हें याद करना चाहते हैं, आप उनके प्रति अपने सम्मान की भावना व्यक्त करना चाहते हैं, आप यदि उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो उनका आभार, उनका सम्मान, उनके प्रति आपकी जो विनय की भावना है वो तभी सही कहलाएगी जब आप 24 घंटे में अपना आधा या एक मिनट अपने घर के बड़े बुजुर्ग को दोगे। नहीं तो सिर्फ झंडारोहण करने से या नेशनल एंथम बोलने से स्वतंत्रता दिवस नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, आज बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करनी है और स्वतंत्र आप थे, हैं और हमेशा रहें। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय अगरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य आरिका माँ 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। चलिएगा, लगाइएगा आसन। 18 अगस्त, 23 अगस्त और 6 सितंबर ये तीन बहुत शुभ मुहूर्त हैं। जिन्हें भी अपनी जाप प्रारंभ करनी हो या जिन्हें भी वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए स्वस्तिक बनाना हो वो इन तीन मुहूर्तों पर बना सकता है। और जैसा कि आप लोगों ने नियम लिए हैं और आपकी कमेटी इतनी अच्छी है जिसने टेली काउंटर की व्यवस्था की है, तो शायद टेली काउंटर आ चुके हैं। आपको अपना फॉर्म लेकर के आना है और फॉर्म दिखाने के बाद ही वो टेली काउंटर आप कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। तो लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्रों को, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम। अरहम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। अरिहं 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 अरहम 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 अरहम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा, दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातमिना शिविको ज्ञान के प्रकाश शिविको आपा परिभाषिविको भानुसी
छह द्रव्य जानवे को बंदी विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम अनुभव ताइवे को जीव की जताइवे को काहू ना सताइवे को भव्य जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूक हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार रमुकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम हुरुम अरहम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर मुनिंद्राय अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति।